नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल पेपर योग शिक्षा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं योग शिक्षा का मॉडल पेपर। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, योग शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? योग, युज, युग या योग? तो दोस्तों, आपको बता दें कि योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, इसलिए आपका इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। युज शब्द का अर्थ है प्रयोग करना, जोड़ना, व्यायाम या काल। युज शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका तात्पर्य होता है जोड़ना से, तो युज शब्द का अर्थ हुआ जोड़ना। इस प्रश्न का भी दूसरा उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति में कुल दर्शनों की संख्या है 4, 5, 6 या 7? दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में कुल दर्शनों की संख्या 6 है, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। योग भी एक दर्शन है, भारतीय दर्शन। निम्नलिखित में से किसका संबंध योग से नहीं है? पतंजलि, विवेकानंद, अरविंदो या रविंद्रनाथ टैगोर? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पतंजलि, विवेकानंद और अरविंदो का संबंध योग से है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने योग के संबंध में कुछ विशेष बातें नहीं की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योग दर्शन के प्रणेता हैं शंकराचार्य, पतंजलि, गौतम या कपिल? योग दर्शन के प्रणेता के रूप में हम पतंजलि को जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग की परिभाषा दी गई है विवेकानंद के द्वारा, गीता में पतंजलि के द्वारा या शंकराचार्य के द्वारा? तो योग चित्त वृत्ति निरोध, यह योग की परिभाषा पतंजलि के द्वारा दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है कहा गया है गीता में, पतंजलि के द्वारा, विवेकानंद अथवा योग वशिष्ठ में? तो योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है, यह योग वशिष्ठ में कहा गया है, तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योग कर्मसु कौशलम कहा गया है भगवद गीता में, योग वशिष्ठ में, पतंजलि योग सूत्र में अथवा ब्रह्मसूत्र में? तो योगसु कर्मसु कौशलम भगवद गीता में कहा गया है, इसलिए इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योग के कितने अंग होते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दें कि योग के कुल 8 अंग होते हैं, तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। योग का पहला अंग है, योग के कुल 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि, तो इसलिए कुल 8 अंगों में पहला अंग यम है, इसलिए इस प्रश्न का पहला उत्तर सही है। योग का सर्वोच्च बिंदु है प्राणायाम, धारणा, ध्यान या समाधि? तो योग का सर्वोच्च बिंदु समाधि होता है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से योग का अंग नहीं है आसन, प्राणायाम, ध्यान या व्यायाम? तो दोस्तों, आपको 8 अंगों के बारे में मैंने बताया है, उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान आते हैं, जबकि व्यायाम योग का अंग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम की संख्या है 4, 5, 6 या 7? तो पतंजलि योग सूत्र में यम की संख्या 5 बताई गई है, तो इस आधार पर इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से यम के अंतर्गत नहीं आता है हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 5 यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं, जबकि हिंसा यम के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपरिग्रह शब्द का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं का संचय न करना, उनके प्रति मोह या संबद्धता का न होना, वासना से दूर रहना, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अपरिग्रह शब्द का अर्थ ये सभी हैं,
तो इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी करना नहीं होता है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह या अस्तेय? तो अस्तेय का तात्पर्य चोरी न करने से है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। नियम की कुल संख्या है 4, 3, 5 या 6? तो आपको दोस्तों बता दें कि नियम कुल 5 होते हैं, योग दर्शन में कुल 5 नियम बताए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से नियम के अंतर्गत नहीं आता है? शौच, संतोष, तपस्या और अस्तेय। शौच, संतोष और तपस्या ये नियम के अंग हैं, जबकि अस्तेय यम का अंग है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शौच का तात्पर्य है ईमानदारी, व्रत, शुद्धता या शिक्षा? तो शौच का तात्पर्य शुद्धता से होता है, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसन का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही स्थिति में जमकर स्थिर हो जाना, दौड़ लगाना, हिल डुल कर व्यायाम करना अथवा श्वास परिचालन। तो दोस्तों आपको बता दें कि आसन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थिति में जमकर स्थिर हो जाना, इसलिए इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से आसन की स्थिति नहीं है, स्थिर, चीर, सुख या संतोष? तो दोस्तों आपको बता दें कि स्थिर, चीर और सुख ये तीनों आसन की स्थितियाँ होती हैं, जबकि संतोष आसन की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर नहीं किया जाता है? त्रिकोणासन, पादहस्तासन, चक्रासन या भुजंगासन? तो दोस्तों आपको बता दें कि त्रिकोणासन, पादहस्तासन और चक्रासन ये तीनों खड़े होकर के किया जाता है, जबकि भुजंगासन लेट करके किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के बल लेट करके किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ताड़ासन, धनुरासन, अधरचक्रासन या पादहस्तासन। तो ताड़ासन, धनुरासन और अधचक्रासन ये खड़े होकर के किया जाता है, जबकि पादहस्तासन पेट के बल लेट करके किया जाता है। निम्नलिखित में से ध्यानस्थ आसन के अंतर्गत नहीं आता है? पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या पश्चिमोत्तानासन? निम्नलिखित में ध्यानस्थ आसन के लिए हम कहते हैं कि पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन ये तीनों ध्यानस्थ आसन होते हैं, जबकि पश्चिमोत्तानासन ध्यानस्थ आसन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। श्वसन की गति को कहा जाता है प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम या ध्यान? तो श्वसन को की गति को हम प्राणायाम के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है संतुलित रखने वाला, संवेदनशील बनाने वाला, जागरूकता विकसित करने वाला अथवा उत्तेजित करने वाला? तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राणायाम संतुलित करने वाला होता है, संवेदनशील बनाने वाला होता है, जागरूकता विकसित करने वाला होता है, जबकि उत्तेजित करने वाला कोई भी प्राणायाम नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, सत्संगति को जोड़ना, सुसंगति को तोड़ना, एक ही स्थिति में स्थिर होना अथवा शुद्धता। तो प्रत्याहार का अर्थ एक ही स्थिति में स्थिर होने से होता है, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। धारणा, धारणा का क्या अर्थ है? मन को एक बिंदु पर एकाग्र करना, चित्त को स्थिर करना, श्वास पर नियंत्रण करना या एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठना? तो धारणा का अर्थ होता है मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना, इसलिए इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित का उचित क्रम है समाधि, ध्यान, धारणा और प्रत्याहार? ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि? धारणा, प्रत्याहार, समाधि अथवा ध्यान? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अथवा समाधि? तो मैंने आपको दोस्तों बताया था शुरुआत में इस वीडियो के कि योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का
चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान आता है और लास्ट में समाधि आती है। हम यम से शुरू करके समाधि की तरफ जाते हैं, तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। किस स्थिति में दृश्य और दृष्टा का भेद मिट जाता है? समाधि, ध्यान, धारणा या प्रत्याहार? तो दोस्तों आपको बता दें कि योग की सर्वोच्च अवस्था समाधि होती है, जिसमें दृश्य और दृष्टा का भेद मिट जाता है, इसलिए इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस क्रम सीरीज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित का उचित क्रम है नियम यम आसन प्राणायाम, नियम यम प्राणायाम आसन, यम नियम प्राणायाम आसन या यम नियम आसन और प्राणायाम? तो आपको मैंने बताया दोस्तों कि पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन और चौथा प्राणायाम, तो इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल।